नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर हुए शिवांकर, बनना चाहते हैं एनडीए ऑफिसर। इतने पैसे सस्ती हुई बिजली, हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। पहले चरण के 4 सीटों पर 72 में से 33 उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द। आनंद किशोर ने बताया 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में सुधार की वजह। 1 अप्रैल से होंगे ये बदलाव जो आपके जेब पर डाल सकते हैं असर। पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड मिर्जापुर सीजन 3 में मुन्ना भाई की होगी वापसी। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज आईपीएल का 14वां मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने निकाली भर्ती। ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अप्रैल 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित अधिक और सटीक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। मैट्रिक की परीक्षा में स्टेट टॉपर हुए शिवांकर, बनना चाहते हैं एनडीए ऑफिसर। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में पूर्णिया के शिवांकर 489 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बने हैं। आपको बता दें कि बचपन से ही अपने क्लास के सबसे मेधावी छात्रों में से शिवांकर एक रहे हैं। इन्होंने पूर्णिया जिला स्कूल से अपनी पढ़ाई की। स्कूल के साथ साथ इन्होंने निजी कोचिंग और ऑनलाइन क्लास की मदद भी ली। शिवांकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि एनडीए में अफसर बनना चाहते हैं। इनके घर वालों ने बताया कि हमें उम्मीद थी कि शिवांकर टॉप करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वे स्टेट टॉपर बन जाएंगे। आपको बता दें कि शिवांकर के पिता एक LIC एजेंट है और इनकी माँ सिलाई कढ़ाई का काम करती है। 1 अप्रैल से होंगे ये बदलाव जो आपके जेब पर डाल सकते हैं असर। हर साल 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए 1 अप्रैल हर वर्ग के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव होते हैं, जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने इसे लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और अब इसे करवाने के लिए आपको 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है। 1 अप्रैल से जो EPFO खाता धारक है उन्होंने अपनी नौकरी बदली है, तो अब उन्हें मैनुअल तरीके से अपने पुराने PF बैलेंस को नया अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। पुराने PF का बैलेंस नए अकाउंट के साथ ऑटो मोड में ही जुड़ जाएगा। 1 अप्रैल से NPS से जुड़ने वाले मेंबर को अब 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इतने पैसे सस्ती हुई बिजली, हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। 15 पैसे यूनिट बिजली राज्य के 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से दी जाएगी। बता दें कि इस बात का फैसला विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से लिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जारी रखी गई है। प्रति यूनिट 15 पैसे सस्ती बिजली का लाभ प्रदेश के हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। नई बिजली दर लागू होने से कुटीर ज्योति वाले को 1.97 रुपये प्रति यूनिट, ग्रामीण घरेलू को 2.45 रुपये प्रति यूनिट, शहरी घरेलू को 100 यूनिट तक 4.2 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत पर 5.25 रुपये प्रति यूनिट लगेंगे। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपके हिसाब से बिजली की दरें सस्ती होने पर उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 9,907 शिक्षण संस्थानों में 17 लाख सीटों पर 11वीं के बच्चों का आज दिन से होगा दाखिला। बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा का परिणाम अब घोषित किया जा चुका है। परीक्षा का रिजल्ट आते ही 11वीं में दाखिले की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। एडमिशन के लिए OFFS पोर्टल को 11 अप्रैल को खोला जाएगा। 11वीं में दाखिला लेने वाले बच्चों का एडमिशन इस बार कॉलेज में नहीं होगा। OFFS वेबसाइट पर इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय इंटर महाविद्यालय की सूची बिहार बोर्ड ने अपलोड कर दी है। संकायवार सीटों के साथ 9,907 शिक्षण संस्थानों की सूची जारी हुई है। पिछले बार शिक्षण संस्थानों की ये संख्या 10,450 के करीब में थी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामशिला हिल के बारे में। गया में विष्णुपद मंदिरों से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामशिला हिल्स गया शहर में सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है।
पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे 1014 ईस्वी में बनाया गया था। बाद में इस मंदिर में कई पुनर्निर्माण का काम भी करवाया गया है। मंदिर के सामने बना एक मंडप एक ऐसा स्थान है जहां भक्त पितृपक्ष के समय पितरों को पिंड चढ़ाते हैं। पहाड़ी के ऊपर रामेश्वर मंदिर विराजमान है जहाँ भगवान राम ने पहाड़ी पर पिंड चढ़ाया था। कई हिंदू भक्त पितृपक्ष के समय रामशिला पहाड़ी पर आते हैं, यहाँ वे अपने पूर्वजों को पिंड चढ़ाते हैं। रामशिला पहाड़ी विष्णुपद मंदिर से 8 किलोमीटर उत्तर में फल्गु नदी के किनारे स्थित है। पहले चरण की 4 सीटों पर 72 में से 33 उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द। बिहार में पहले चरण का लोकसभा चुनाव औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में होने वाला है। चुनाव को लेकर कुल 72 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन इन 72 प्रत्याशियों में से 33 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि जाँच के बाद ही इन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को रद्द किया गया है और 39 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को स्वीकार किया गया है। आपको बता दें कि गया में पहले 22 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया गया और अब यहां से केवल 15 प्रत्याशी ही हैं। वहीं नवादा से 17 ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें 9 के नामांकन पत्र रद्द हुए हैं और अब यहां से केवल 8 प्रत्याशी ही बचे हैं। बात करें औरंगाबाद की तो यहां 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें से 12 के रद्द हुए हैं और अब 9 प्रत्याशी ही बचे हैं। इसके अलावा जमुई में 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें 5 के रद्द हुए हैं और अब 7 प्रत्याशी ही बचे हैं। पटना से बड़ी फ्लाइटों की उड़ान से जानिए किस शहर के लिए कितने उड़ेंगे विमान। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट को ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से सुबह के समय बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। विमान का नया शेड्यूल पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है। इस नए शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फ्लाइटों का आना जाना लगा रहेगा। आपको बता दें कि पहले पटना से 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 46 कर दिया गया है। वही नए शेड्यूल के मुताबिक पटना से दूसरे शहरों में जाने वाली फ्लाइटों की जो संख्या है उनमें दिल्ली के लिए 14 फ्लाइट है, बेंगलोर के लिए 8 फ्लाइट, मुंबई के लिए 5, कोलकाता के लिए 3, हैदराबाद के लिए 3, पुणे के लिए 2, लखनऊ के लिए 2, अयोध्या के लिए 2, चंडीगढ़ के लिए 1 और इसके अलावे देवघर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी और रांची के लिए भी 1 फ्लाइट है। वहीं पटना में गोवा, वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर, भोपाल और जयपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग ने शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों की मांगी सूची। बिहार में सभी जिलों के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों की विषयवार सूची शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक राज्य के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों की विषयवार सूचना मुख्यालय में उपस्थित होकर सॉफ्टवेयर में अपलोड कराना अनिवार्य है। इसी क्रम में सॉफ्टवेयर में शहरी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्तियों की भी प्रविष्टि होनी चाहिए। प्रमंडलवार तिथि इसके लिए निर्धारित हुई है। ट्रेन से यात्रा के इतने दिन पहले तक बुकिंग हो सकती है टिकट। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमें कहीं निकलना पड़े और उस वक्त ट्रेन की टिकट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा भी देती है। आपको बता दें कि एडवांस में टिकट बुक करने की सुविधा यात्रियों को यात्रा के ठीक 120 दिन पहले तक मिलती है। भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्री अपने टिकट की बुकिंग 4 महीने पहले भी करवा सकते हैं। वहीं इमरजेंसी की स्थिति में यात्री ट्रेन के प्रस्थान बिंदु से 1 दिन पहले बुकिंग कर सकते हैं। आनंद किशोर ने बताया 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में सुधार की वजह। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। इसमें बच्चों का पासिंग प्रतिशत 82.91% देखने को मिला है। बच्चों के बेहतर पासिंग प्रतिशत को लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा परिणाम में सुधार के पीछे कई कारण हैं। आनंद किशोर ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, सरकार ने शिक्षकों की बहाली करके काफी हद तक दूर कर ली है। इसके अलावा पिछले सत्र में विद्यालय में मासिक टेस्ट का आयोजन शुरू किया गया था। मासिक टेस्ट के बाद उत्तर पुस्तिका बच्चों को दी गई, इससे बच्चे अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं। साथ ही कमजोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी दिए जा रहे हैं। वही टॉप 10 में आए बच्चों को लेकर उन्होंने बताया कि अभी छात्रों को मेडल और लैपटॉप के साथ प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन्हें 1,00,000 रुपए, दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपए, तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रेलवे ने आनंद विहार से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों के संचालन का किया ऐलान। देश की अधिकतर आबादी रेलवे से ही अपनी यात्रा पूरी करती है। चुनाव और गर्मी की शुरुआत के साथ ही घर वापसी करने वाले लोगों को लेकर रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है।
इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार से पटना के बीच होंगे। इसमें गाड़ी संख्या 03255 पटना से आगामी गुरुवार और रविवार को चलेगी, वहीं गाड़ी संख्या 03256 आगामी शुक्रवार और सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा गाड़ी संख्या 04096 सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना जंक्शन के लिए रवाना होंगे, वहीं गाड़ी संख्या 04074 आगामी सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से गया जंक्शन के लिए रवाना होगी। हालांकि इन ट्रेनों के सही समय सारणी को जानने के लिए रेलवे स्टेशन पर जानकारी जरूर ले लें। पंकज त्रिपाठी की मोस्ट अवेटेड मिर्जापुर सीजन 3 में मुन्ना भैया की होगी वापसी। मिर्जापुर वेब सीरीज सीजन 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीरीज में एक बार फिर से पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विजय वर्मा देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के सीजन 2 में मुन्ना भैया का किरदार मर जाता है, लेकिन इस बार लोगों के बीच ये चर्चा देखने को मिल रही है कि इस बार मुन्ना भैया की वापसी होगी या नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान मुन्ना भैया को लेकर निर्माता रितेश सिद्धवानी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुन्ना भैया उस तरह वापस नहीं आ सकते, लेकिन शायद कुछ दिलचस्प है जिसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आनंद किशोर ने बताया कि विकल्प सुधारने का नियोजित शिक्षकों को मिलेगा मौका। जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी है उन्हें विकल्प सुधारने का मौका मिलेगा। इस संबंध में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि सक्षमता परीक्षा में जिन नियोजित शिक्षकों को विकल्प वन प्राप्त नहीं हुआ है वे पुनः परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी सक्षमता परीक्षा बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों ने जिला आवंटन के लिए 3 विकल्प दिए थे, बहुत सारे शिक्षकों को विकल्प वन प्राप्त नहीं हो सका और उनका चयन दूसरे और तीसरे विकल्प हो गया है। वे नियोजित शिक्षक अगली बार होने वाली सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर अपना विकल्प सुधार सकते हैं। जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के बावजूद भी तापमान कमता नजर नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में आंशिक गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की बात कही गई है। पटना से सटे मसौरी प्रखंड में 680 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश में उत्पाद विभाग मद्य निषेध विभाग की गाइडलाइन के बाद सक्रिय हो चुका है। इसी कड़ी में पटना से सटे मसौरी प्रखंड के सुकोटिया गांव में एक्साइज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने पटना हुंडई कार से 680 लीटर देसी शराब डिलीवरी करने जा रहे तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। एक्साइज सुपरिटेंडेंट संजय कुमार चौधरी के मुताबिक ये दोनों तस्कर ठेके पर देसी शराब बनवाते थे और उसे ब्लैडर में और पॉलिथिन में भरकर हुंडई कार से पटना डिलीवरी करते थे। पटना में ये ज्यादातर पटना सिटी और जक्कनपुर थाना क्षेत्र में सप्लाई करते थे। नीट यूजी की परीक्षा के लिए बिहार के बच्चों का बढ़ा रुझान। इन दिनों बिहार के छात्रों का रुझान नीट यूजी की तरफ अधिक देखने को मिल रहा है। नीट यूजी की परीक्षा के लिए इस बार 23.8 लाख बच्चों ने आवेदन किए हैं, जिसमें बिहार के 1,39,398 बच्चे शामिल हैं। इससे पहले बिहार में 1.3 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। आपको बता दें कि परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित होने वाली है, वहीं इसका रिजल्ट 14 जून 2024 तक घोषित कर दिया जाएगा। मालूम हो कि नीट यूजी के माध्यम से पास करने वाले बच्चे देश भर के मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे कई मेडिकल कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। राजद ने अपने 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल। महागठबंधन सीट बंटवारा हो चुका है, जिसमें राजद को 26 सीटें मिली हैं। सीट बंटवारा का मामला फाइनल होने के बाद राजद ने अपने कोटे से सभी 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी तय कर लिए हैं। इनमें से कईयों को तो सिंबल भी दिया जा चुका है। अब इसी कड़ी में खबर आई है कि राजद चरणवार तरीके से अपने पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाला है। खबर ये भी है कि इन सभी उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने की बात राजद नेतृत्व द्वारा कही गई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया कि पहले और दूसरे चरण की सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हैं। तीसरे से सातवें चरण के चुनाव में पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर इन उम्मीदवारों को आवश्यक कागजात जुटाने और तैयार रहने की बात कही गई है।
पीएम मोदी बिहार के जमुई से करेंगे लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत। बिहार में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया जिले में होगा। इन चारों सीटों पर एनडीए में औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर और वहीं एनडीए के घटक दल में गया जिले से जीता नाम मांझी और जमुई सीट से लोजपा रामविलास के अरुण भारती चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में 4 अप्रैल से एनडीए के प्रचार प्रसार के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और वे बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई जिले से करेंगे। इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने भरी हुंकार। इंडिया गठबंधन की रैली को संबोधित करने दिल्ली के रामलीला मैदान में राजद से तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार जैसे आंधी की तरह आई थी, वैसे ही तूफान की तरह चली जाएगी। दिल्ली के इस मैदान में जमा भीड़ बता रही है कि आने वाले समय में क्या फैसला होने वाला है। हम लोगों ने पटना और मुंबई में पहले रैलियां की हैं। हम सब एकजुट होकर आज यहां मौजूद हैं। हम लोगों को संविधान और भाईचारा बचाना है। आज संविधान को खत्म किया जा रहा है। आगे तेजस्वी ने कहा कि भाई और भाई के बीच लड़ाई पैदा की जा रही है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है। हम सब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। आपका साथ, आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। पार्टी में अपने बहनोई को टिकट देने पर चिराग पासवान का बयान आया सामने। लोजपा रामविलास में टिकट बंटवारे को लेकर और अपने बहनोई को टिकट देने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी को गठबंधन में मात्र 5 सीटें ही मिली हैं और 5 सीटों में संभव नहीं है कि सभी को संतुष्ट किया जाए। वहीं जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उसकी नाराजगी को लेकर चिराग ने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी को भी सम्मान देता हूं। उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। अपने बहनोई को टिकट देने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मेरे जीजाजी की बात आती है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है, सिर्फ ये कहकर कि वो मेरे जीजाजी हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए, वो विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन में एमबीए किया है, सफल बिजनेसमैन रहे हैं और वे एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने किया अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस को 9 सीटें मिली। इसके बाद दूसरे चरण की 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजीत शर्मा और किशनगंज से मोहम्मद जावेद का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होंगे उसमें कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। हालांकि अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज आईपीएल का 14वां मुकाबला। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2024 का 14वां मुकाबला आज खेला जाने वाला है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस मैच का आयोजन देखने को मिलेगा। मुकाबले के दौरान दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें राजस्थान रॉयल्स की तो इस टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले में ही जीत हासिल की। वहीं मुंबई इंडियंस को अपने शुरुआती दोनों मैचों में ही हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले चलिए जानते हैं कि इसकी पिच कैसी होगी। तो बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम की ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल रही है। वहीं स्पिनर भी इस मैदान पर अच्छे खासे रन लगाते दिखाई देते हैं। आपके मुताबिक एमआई और आरआर के बीच आज के मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1839 में शुरू किया गया था। कोलकाता में बनी संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए 1878 में खोला गया था। सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी और एक प्रांत घोषित किया गया था। सन 1930 में देश में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा 14 और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया था। इसके लिए अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कानून बनाया था। ओडिशा को बिहार से अलग करके 1936 में एक नया राज्य बनाया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ था। भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीताओं को बचाने के लिए 1973 में टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया था।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम पर आ रहे कॉल से रहे सावधान। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर हो सकती है। दरअसल भारतीय नागरिकों को व्हाट्सएप पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से आने वाले कॉल को लेकर सचेत किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नए पैंतरे अपना रहे हैं। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए वे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम पर कॉल कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं कि उनका मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। यहां तक कि स्कैमर्स लोगों को ये भी कह रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर किसी तरह के गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे कहकर वे आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स भी मांग सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के स्कैम से सावधान रहें। अगर आपके आपके पास ऐसा कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1920 पर कॉल कर सकते हैं या www.cybercrime.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? ऑप्शन है आनंद दुबे, ऑप्शन बी है विजय छेत्री, ऑप्शन सी है अमित गोयल, ऑप्शन डी है किरण दीक्षित। इसका सही उत्तर है विजय छेत्री। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नर शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी है गंगा का मैदान। इसका सही उत्तर है उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए है दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी है दिल्ली से पटना, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना से रांची। इसका सही उत्तर है मुगलसराय से कोलकाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रमेश, रंजित सिंह, दिलीप मुखिया, परशुराम सिंह, संजय यादव, सत्यम कुमार, रवि कुमार राम, राजेश कुमार यादव, बलिंदर ठाकुर, पंकज कुमार दास, राजेश मांझी, शिव कुमार पासवान, उमेश ऋषिदेव, ज्योति बासु, राजकिशोर महतो, मनोज राम, कुमकुम कुमारी, राजीव कुमार, अभय कुमार, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यदि आपने 10वीं की परीक्षा दी है या आपके जानने वाले में किसी ने 10वीं की परीक्षा दी है तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।